मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस शो का नाम कितना अच्छा है, लेडीज़ स्पेशल, जो कि सिर्फ हम तीन लेडीज़ को डेडिकेट नहीं कर रहा, सारी लेडीज़ को, चाहे फिर वो आप हों या हमारे देश या दुनिया की तमाम लेडीज़ को ये शो डेडिकेट करता है। क्योंकि लेडीज़ तो मुझे लगता ही बहुत स्पेशल क्रिएशन है गॉड की। हम जो कुछ झेल सकते हैं या जो सह सकते हैं, हम कहते हैं ना लेडीज़ में ज़्यादा सहनशीलता, वो तो कोई मर्द भी नहीं कर सकता। तो इट्स दिस शो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज़, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। And also I'm very thankful to Sony TV and Optimistic for giving me this opportunity. So I'm super excited, and moreover I'm excited for my role because I'm going to play a North Indian girl. So in real life I'm from Patna, and Prarthna Kashyap, which is my character name, she is also from Patna. So I'm super super excited because my father always wanted to see me as Patna girl, and now unka dream pura hua hai is cheez ko dekar ke. So the day my promo came out, so my father called me and he said, बेटा खूब बढ़िया से बोल रहे हो, जो हमारा टोन होता है। सो ही वॉज सुपर एक्साइटेड और सो हैप्पी कि वो इतने खुश हैं, क्योंकि मैंने भी 6 साल ये वेट किया कि मुझे कभी पटना का रोल मिल जाए, एंड ही ऑल्सो वेटेड कि कुछ पटना वाला बेटा कुछ करो ना, ज़रा देखो ना, उनका होता था, फाइनली वो मिल गया है, सो ही इज़ सो हैप्पी। एक तीसरी सिमिलैरिटी और बताऊँगी, मेरे शो के फादर भी सिंगर हैं और मेरे रियल लाइफ फादर भी सिंगर हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो बिगेस्ट सरप्राइज, यू नो, केम एज बिगेस्ट सरप्राइज ऑल्सो, आई वाज लाइक, मेरे फादर तो रियल में सिंगर हैं, आई वाज सो हैप्पी। आप पहले मुझे बताइए, मैं आपको सीरियस किस एंगल से लगती हूँ? नहीं ना, पर प्रार्थना बहुत सीरियस है, तो ये एक चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है छवि से और प्रार्थना से, प्रार्थना में, कि छवि बहुत बबली है, मैं डायरेक्टर के साथ, अपने एडीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब गप्पे लड़ाना, हाँ हाँ करते रहना मेरी आदत है। बट जब प्रार्थना का होता है तो मुझे तुरंत मूड स्विच करना पड़ता है, और वो स्विच करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है मुझे, क्योंकि अचानक से मैं कुछ बकवासी कर रही हूँ और अचानक से मुझे काम में प्रार्थना बन जाना है, जो प्रार्थना थोड़ी ऐसी रिजर्व्ड एंड क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एंड बहुत मच्योर है, और मैं तो हूँ भी नहीं। तो मुझे वो करने के लिए कम से कम बोलना पड़ता है सर को कि मुझे ना 1 मिनट का टाइम चाहिए, तो मुझे सोचना पड़ता है और घुसना पड़ता है उस चीज़, फिर मैं उस चीज़ को करती हूँ। उसमें तो मैंने पहले बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, और ऐसी स्क्रिप्ट आती है, फिर मैं ऐसा सोचती हूँ, फिर मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको ऐसे सोचती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर सोचती हूँ, ऐसा करते करते 1 मिनट बिता देती हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रार्थना बन जाती हूँ। लेकिन अभी क्या, वो जब से एक इंसान के साथ शूटिंग कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वह चाहती है शो में रिवील हो, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, जब ऐसा कोई एक्टर आपके साथ काम कर रहा हो जिसका कैरेक्टर हो बिल्कुल उल्टा, खूब हंसना बोलना और मजाक करना और ऐसे उसकी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो ना बीइंग अ छवि मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होता है ना, अंदर मुस्कुराहटें चल रही होती है पर ऊपर प्रार्थना बैठी रहती है, तो होता है ना वो कभी कभी मेरे मुँह से सीरियसली वो चीज़ निकल जाती है छवि वाली, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। उनके लिए नहीं है क्योंकि मराठी और गुजराती और वो तो हंस भी सकती हैं, पर मेरा हंसना बहुत कभी निकलेगा ऐसे कोई बात होगी तो, और वो भी वैसा वाला कभी कभी निकलता है कि ओके, जो फेक टाइप्स होता है, क्योंकि वो जल्दी नहीं हंसती है, डिफ़िकल्ट है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, दो रीज़न से, एक तो लुक जितना सिंपल हो मुझे लगता है लोग उतना ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी आप देखो ना, मतलब कौन सी लड़की इतना ज़्यादा भर भर कर मेकअप करके रास्ते में निकलेगी, पार्टी में करेगी, मेक सेंस, बट आपने भी सिर्फ लिपस्टिक काजल लगाया, आपने भी सिर्फ वो किया, तो प्रार्थना थोड़ी ना पूरा ऐसे पूरा ये क्या बोलते हैं ब्लश ऑन कर लेगी, तो फिर बड़ी बड़े ऐसे आई शेडोज लगा लेगी, एंड गिव्स यू वेरी ओवर ड्रामेटिक लुक, एंड प्रार्थना इज़ नॉट समबडी विल पुट लॉट ऑफ मेकअप। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ की इन्होंने कि मेरे लुक और बहुत सिंपल रखा, देखो मैंने कॉटन कुर्तीज़ पहनी, जो मैं 15 मिनट में रेडी, तो ये तो बेस्ट है। मतलब मुझे तो ऐसे होता है कि सेट पर कॉल टाइम भी मिलता है, मैं बोलती हूँ कभी मैं 10 मिनट लेट हो गई, तो मैं अपने शेड्यूलर को बोलती हूँ 15 मिनट में सेट पर रेडी मिलूँगी, और 15 मिनट में 15 मिनट ही होता है, तो इससे अच्छा क्या होगा, साड़ी में तामझाम में 50 तो पिंस लगते हैं, इसमें तो ये है नहीं, दुपट्टा में भी पिन नहीं लगाना है, तो सिंपल कुर्ती डालो, लेगिंग्स पहना सेट पर, तो बेस्ट है ये। देखिए, हम पिछला 6 साल से बहुत इंतज़ार किए हैं कि हमारा ऐसा कोई शो आएगा जिसमें हम पटना की लड़की बनेंगे, अब फाइनली हमारा वो ड्रीम तो पूरा हो गया है लेडीज़ स्पेशल में, लेकिन हम आप सबको ये बहुत ज़्यादा मन है भी ये बात बोलने का, बहुत सारा प्यार दिया आप लोग हमको 6 साल, तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप हमको 6 साल में दिए हैं और अलग अलग किरदार में दिए हैं, उतना ही प्यार आप प्रार्थना को दें, और क्योंकि हमारा जो शो आ रहा है 27 नवंबर को, वो आपको देखना ही पड़ेगा, काहे कि हम बोल रहे हैं आपको, 27 नवंबर को रात 9:30 बजे सोनी टीवी पर आपको देखना है लेडीज़ स्पेशल। मुझे कनेक्ट नहीं करना पड़ा, मुझे ऐसा रोल ऑफर हुआ है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, आई एम प्लेइंग बिंदु देसाई,
शी इज़ वेरी पॉजिटिव, शी इज़ वेरी एंथू, बबली, टॉकेटिव, सब क्वालिटीज़ मेरे में हैं. मैं उतनी पॉजिटिव नहीं हूँ, बाकी हम दोनों बहुत बोलते हैं, बहुत ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑल. सो आई थिंक ये मेरे लिए लिखा गया था कि बीजल तू कर ले, तेरा ही कैरेक्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि हमेशा एक हमारे माइंड में एक होता है कि अच्छा तीन लड़कियां हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते रहेंगे, ईगो से लेके या इनसिक्योरिटीज और जेलसी. बट टचवुड हम तीनों बहुत मैच्योर हैं, तीनों को शौक है, पैशन है एक्टिंग करना. सो वी हैव प्रूव्ड इट, तीनों प्रूव करके अपने अपने जगह से आई है, तो कहीं पर इनसिक्योरिटी या जेलसी नहीं होती. जैसे लेडी स्पेशल का भी अगर आप आइडिया देखें कि एक औरत दूसरी औरत को मदद कर रही है, कहीं ना कहीं फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बन रही है. सो हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के, एक तीसरे के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनते हैं. अगर मुझे कोई इश्यू है तो आई टेक एडवाइस फ्रॉम गिरजा, छवि को कुछ होता है तो वो मुझे पूछ, तो ऐसे होता है. एंड देयर इज़ अ रियली रियली गुड केमिस्ट्री बिटवीन थ्री ऑफ अस. इवन इन रियल लाइफ ऐसे ही होता है कि सीन्स में भी बिंदु बोलती रहती है, अरे लोग सुनते रहते हैं, और शी इज़ वेरी, वो मतलब वो प्रार्थना एक्चुअली क्या यार आप थोड़ा कम बोलोगे, वैसे होता है. सो इवन इन रियल हम तीनों बैठे रहते हैं और मेरा आई गो एंड गो एंड गो चलता रहता है, और वो लोग हाँ हाँ अच्छा ठीक है. सो या बट कहीं पे वो लोग भी बोलते हैं कि जब मैं सेट पे होती हूँ तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, मस्ती वाला माहौल होता है, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकती, मैं चुप रह नहीं सकती. सो आई कीप ऑन पासिंग कमेंट्स एंड मस्ती करते रहते हैं, फूड शेयर करते रहते हैं. सो इट्स फन. लुक अगेन, बीइंग बिंदु, बीइंग बिजल, आई वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर माई लुक, मतलब आई वॉज बिहाइंड माई क्रिएटिव. हम क्या लुक कर रहे हैं, अच्छा गुजराती लोग ना ये करते हैं, हम लोग ये करेंगे क्या? सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने पहले से ही बोला था कि मिरर वर्क ज़्यादा होता है हमें, जो वो भरत काम बोलते हैं, छोटी छोटी डिज़ाइंस होती हैं, ये सब हमें बहुत होता है. सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने अपने इनपुट्स दिए, चैनल के इनपुट्स, सोनी टी वी के, मेरे क्रिएटिव के इनपुट्स. फाइनली ये लुक आया है कि शील बी वेयरिंग द टिपिकल गुजराती अटायर विद हैवी ज्वेलरी एंड मिरर वर्क एंड छोटा छोटा सा वर्क एंड ऑल. सो या आई वॉज वेरी एक्साइटेड. ओके, इन रियल लाइफ आई एम लिटिल बिट टॉम बॉयश. व्हेन इट कम्स टू डे टू डे लाइफ में यू विल बी सीइंग मी वेयरिंग जीन्स, टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स. अनलेस अंटिल इट्स अ पार्टी और सम इवेंट, आप मुझे कभी, मतलब आई एम नॉट द पर्सन जो काजल भी लगा के बाहर निकलेगा या लिप बाम लगा के भी बाहर निकलेगा. सो ये पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ. ए जय श्री कृष्ण, मैं बिंदु देसाई, तो ना मैं आपसे रोज मिलने आ रही हूँ, वो 27 नवंबर से शाम को, नहीं शाम नहीं, रात होती ना, हाँ तो रात को 9:30 बजे सोनी टीवी पे लेडी स्पेशल, तो देखना मत भूलना. आप लोगों ना एकदम ऐसे, आपको ऐसे ही होगा कि ये सब तो मेरी ही स्टोरी है, मेरे आजू बाजू ऐसा ही सब होता है, एकदम फ्रेश आइडिया है ना, तो आप देखना. जय श्री कृष्ण. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ऑफकोर्स क्योंकि मैं एक मराठी लड़की का ही रोल प्ले कर रही हूँ, और मेरे लिए ये आसान तो नहीं कह सकती क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक बम्बैया सी हिंदी है, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ तो मुझे उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तो वो अलग है. लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मराठी लोगों को लेकर जो टाइप कास्ट सब किया जाता है, द मोमेंट यू से मराठी मुलगी, पीपल इमेजिन कामवाली बाई, तो वो एक जो स्टीरियोटाइप हो गया है उसको ब्रेक करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. आई थिंक इट वाज इम्पेरेटिव ऑन मी एज अ महाराष्ट्रियन टू मेक श्योर दैट दैट रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट केप्ट लाइक दैट. सो मेघना एक महाराष्ट्रियन लड़की है, लेकिन वो आपका स्टीरियोटिपिकल मराठी कैरेक्टर नहीं है, जिसको आपने हमेशा नवारी साड़ी और नथ में कसकाया करते हुए देखा है, वो वैसी नहीं है. तो वो एक बहुत थिन लाइन है द लैंग्वेज की वजह से, वो सारा यू नो इंटोनेशन की वजह से, कि वो उस जोन में चला जाए. तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो वैसा ना लगे, एट द सेम टाइम वो ट्रू भी लगे और वो ओवर डन भी ना लगे. तो इट्स इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी वेरी चेरिश्ड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई ओन कल्चर एंड इज रूटेड इन माई कल्चर, सो इट्स फन. एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मिलती है, वो है मेघना सेज नेवर से नकोरे बाबा, विच इज़ ऑल्सो माई मोटो, आई नेवर से नेवर. And another thing that is very very important is that this never say never attitude doesn't come from भगवान भरोसे. Never say never, लेकिन भगवान देख लेगा, ऐसा नहीं, मेहनत करके never say never. तो मैं भी वैसी हूँ. और दो चीज़ें जो नहीं मिलती वो ऐसी है कि अब मेरी लाइफ इतनी कठिन नहीं है जितनी मेघना की है. सो हैविंग वर्क फॉर ऑल दीज ईयर्स, आई हैव मेड माई लाइफ अ लिटल बिट मोर कम्फर्टेबल दैन मेघना जिस, तो दैट्स अ लिटल बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ अस. एंड आई थिंक अनदर सिमिलैरिटी इज आई ऑल्सो शेयर अ वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी ओपन रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, विच मेघना शेयर्स विद मंदार इज वेल. सो आई लव द कॉन्वर्जेशन दैट आर रिटन बिटवीन मेघना एंड मंदार, देर मोर लाइक फ्रेंड्स देन हस्बैंड एंड वाइफ. हाँ वैसे आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुंबई में
ऐसा कुछ बहुत मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी तो होता नहीं है, सब मुंबई के होते हैं. एवरीबडी काइंड ऑफ वेयर्स द सेम क्लोथ्स एंड एवरीबडी काइंड ऑफ लुक्स द सेम. सो इट्स अ वेरी जनरल मराठी गर्ल्स लुक लाइक एनी अदर गर्ल. काफ़ी प्रैक्टिकल भी है क्योंकि वो ट्रेन में ट्रैवल करती है, सो लंबे लंबे पल्ले और बाल खुले वो सब तो नहीं मैनेज हो सकता. सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल लुक, पिनअप पल्लू, पिनअप हेयर, बेसिक नॉर्मल साड़ीज जो ईजी है, वेरेबल है, कॉटन साड़ी जिनको प्रेस प्रेस करना पड़ता है, ये इम्प्रैक्टिकल है चीज़ें. तो प्रैक्टिकलिटी को, रियलिटी को और कल्चर को ध्यान में रखते हुए उसका एक यू नो वट एवर कॉम्बिनेशन करके एक लुक तैयार किया है. आई होप पीपल लाइक इट. नमस्कार, मी मेघना निकाडे आणि माझा नवीन शो मे लेडी स्पेशल 27 नोव्हेंबर से शुरू हो रहा है 9:30 PM रात को सोनी टी व्ही पे. तर प्लीज बघा बरं का.